हूँ। बोलिए। सर आपका ये नंबर है 9271141 जो आपका जियो का नंबर है। हाँ तो क्या हुआ? सर आपका इस नंबर पर काफी दिन से रिचार्ज नहीं हो रहा है। इस नंबर पर आपका सर ये नंबर बंद होने का लिस्ट में चला गया है। यदि आप इस नंबर जियो सिम, माना कि जियो सिम का इनकमिंग कॉल कभी बंद नहीं होता है, लेकिन आपको बार बार कॉल करके धमकी देता है कि रिचार्ज करा लो नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा, रिचार्ज करा लो नहीं तो आपका सिम बंद हो जाएगा। और आप डर जाते हो धमकी सुन के, जल्दी से जाते हो कि भैया 199 का रिचार्ज कर दीजिए, मेरा सिम बंद होने वाला है, यह सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक में नंबर दिया हुआ है, गर्लफ्रेंड को दिया है, आधार कार्ड में दिया है, ऐसा ऐसा आपके मन में ख्याल आने लगता है और आपको इस टाइप का कॉल आता होगा। बोलिए। सर आपका ये नंबर है 9271141 जो आपका जियो का नंबर है। हाँ तो क्या हुआ? सर आपका इस नंबर पर काफी दिन से रिचार्ज नहीं हो रहा है। इस नंबर पर तो नहीं रिचार्ज होने के कारण सर आप आपका कर जो नंबर आपका? है, थोड़ा सा पहले सुन लीजिए सर, फिर आपका बात भी सुनेंगे। अगर करना है तो कर दीजिए ना, हम नहीं, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हम आपको बाद में भेज देंगे फोन पे में। आपका सर ये नंबर बंद होने का लिस्ट में चला गया है। यदि आप इस नंबर पर फिर से रिचार्ज करेंगे तो आपका नंबर बंद होने का लिस्ट से बाहर आ जाएगा। आप इस नंबर को रखना चाहते हैं सर, इस नंबर पर रिचार्ज करना होगा, रिचार्ज करने के बाद आपका नंबर बंद होने से रुक जाएगा। कॉल तो आएगा ही, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कॉल कहाँ से आता है, क्यों आता है, और क्या वो कॉल आने से रियल में आपका सिम बंद होता है या नहीं, और आपको इस समय करना क्या चाहिए। तो सारा कुछ आज की वीडियो में हम बताएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो और वीडियो को शुरू किया जाए। ऐसा होता इसीलिए है कि जैसे कि आपने कोई जियो का सिम ले लिया, ठीक है, जियो में तो आपको इनकमिंग फ्री मिल जाता है, और इनकमिंग में मतलब होता यह है कि आपको कोई भी आदमी कॉल करेगा तो आपको कॉल लग जाएगा, भले ही 2 साल 5 साल बाद भी करें तो कॉल आपको लग जाएगा। तो इसी बीच में आप रिचार्ज नहीं कराते हो, आपके पास कोई अलग सिम है, BSNL का, जियो का, VI का, जिसमें आप चलाते हो, या आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आप वाईफाई चलाते हो, बोलते हो कि दया सिम में रिचार्ज कौन कराएगा, हटाओ। या फिर आप गरीब हो, आपके पास रिचार्ज कराने का भी पैसा नहीं, बहुत सारा बात है, इसीलिए आप रिचार्ज नहीं कराते हो। तो उसी बीच में कस्टमर केयर का कोई आदमी आपको कॉल करेगा, हेलो 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 मैं, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो 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 हेलो, मैं जियो से बात कर रहा हूँ, आपका एक नंबर है 1234596, इसमें 2-3 महीना से रिचार्ज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन आप सफाई को कैसे पता? क्या ये आपका नंबर है? नहीं। तो क्या आप चाहते हो कि ये नंबर को मैं बंद कर दूं? मतलब अगर आप इसमें रिचार्ज नहीं कराओगे तो आपका नंबर बंद हो जाएगा, तो ऐसा आपको धमकी मिलता है। तो आप सोचते बोलते हो कि नहीं भैया जी, बंद मत कीजिएगा, हम आज ही जा रहे हैं रिचार्ज करवा लेंगे, और आप रिचार्ज जाते हो करवा लेते हो। तो इसका होता यह है कि वो कॉल, जैसे कि हम लोग एजेंट है, हम सिम बेचते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो इसमें हमारा स्कीम होता है कि जैसे हमें एक 10-12 नंबर दिया जाता है जिसमें लिस्ट बना होता है, उसमें रिचार्ज नहीं कराते हैं वो लोग, तो वो नंबर हमें मिलता है, और हमारा काम क्या होता है, उसे कॉल करके बोलना कि आप रिचार्ज करा लो। तो उसमें अगर वो बंदा रिचार्ज कराएगा तो 240 का अगर वो रिचार्ज करेगा ना, तो उसमें 40 रुपया हमें कमीशन मिलेगा, तो इसीलिए लोग आपको कॉल करते हैं। इसमें आप देखो, हम जैसे जियो पोस्ट लाइट खोल के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि आपने ऐप में देखा कि बहुत सारा नंबर है, ये सबका रिचार्ज बंद है, और ये सबको रिचार्ज करके बोलना है, अगर इसमें एक बंदा भी रिचार्ज करा ले तो मेरे को 40 रुपया पॉकेट में आ जाएगा, और अगर आप दिन भर में 10 बंदे को बोलते हो रिचार्ज करा ले तो आपका 10×40 आपका 400 रुपया एक दिन का इनकम हो जाएगा। ये हमारा जियो पोस्ट लाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पे आपको कस्टमर का ऑप्शन देता है कि कमीशन, मतलब जो लोग रिचार्ज नहीं किए होते हैं। देखिए अभी मेरे को एक नंबर आया है, ये एक नंबर है, इसमें रिचार्ज नहीं हुआ है, इसे मैं कॉल करके अगर बोलूँगा ना कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है करो, तो फिर मुझे 40 रुपया कमीशन मिलेगा इसी ऐप में, तो 400 रुपया आपका इनकम एक दिन में हो जाएगा। तो इसीलिए लोग आपको कॉल कर कर के बोलते हैं कि आपका जियो का सिम बंद हो जाएगा, नहीं तो रिचार्ज कराओ, नहीं तो रिचार्ज कराओ, नहीं तो रिचार्ज कराओ।
तो ऐसे में सिम बंद नहीं होता है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिम आपका बंद नहीं होगा, सिम आपका तभी बंद होगा जब आप उसे मोबाइल से निकाल के रखोगे, तब आप 10 साल भी रिचार्ज नहीं कराओगे अगर वो मोबाइल में लगा हुआ है तो आपका सिम बंद नहीं होगा। तो ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है कि आज का ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं हम आपसे जल्दी न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।